मध्य प्रदेश में चुलचुलाती धूप के साथ झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। शनिवार को टेम्परेचर ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए। दतिया में तो पारा 47 डिग्री के पार पहुंच गया, जबकि ग्वालियर में 45 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। प्रदेश के कई शहरों में पारा 43 से 44 डिग्री रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी 22 मई तक ग्वालियर चंबल के साथ ही निमाड़ के कई जिलों में गर्म हवाएं यानी लू चलने का अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग ने जबलपुर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम विज्ञानी वीएस यादव, पिछले 24 घंटों के दौरान एक राजस्थान के ऊपर एक साइसर बना हुआ है, दूसरा साइसर यूपी के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गर्म हवाएं प्रदेश की तरफ आ रही है। उसके वजह से ग्वालियर, चंबल और खंडवा वगैरह के आसपास लू की स्थिति बनी हुई है और लगभग आप प्रदेश में देखेंगे तो 23 जिलों में तापमान 40 के ऊपर दर्ज किया गया है। सबसे अधिक दतिया में 47.2 दर्ज किया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो ग्वालियर में 45, नौगांव में 44.5, उसके आसपास 44 का दर्ज किया गया है, जिस हिसाब से दतिया में तीव्र लू की स्थिति बनी हुई थी और आगे भी ये कंटिन्यू रहने की संभावना है। इसके अलावा उसके नीचे स्तर में देखेंगे ग्वालियर, नौगांव और रतलाम में लू की स्थिति बनी हुई है और अगले 24 घंटों में इसी तरह से टेम्परेचर बने रहेंगे। छुटका और अपने पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो छिंदवाड़ा, सीवनी, मंडला, बालाघाट में कहीं छुटपुट बारिश की संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में कहीं हल्की बारिश की संभावना नहीं है। वो लोग के भोपाल की बात करें तो अधिकतम तापमान 42.2 दर्ज किया गया है, जो क्रमिक रूप से बढ़ते हुए 43-44 तक पहुँच पाएगा। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।